नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की 10 मुख्य खबरों की ओर। कानपुर में जुलूस ए मोहम्मदी में तिरंगा फहराने पर सख्ती। तिरंगा फहराया तो करना होगा प्रोटोकॉल का पालन। आज रात जश्न ए चिरागा। कानपुर के शास्त्री नगर में बुजुर्ग के गले से चेन लूटा। गाय को रोटी देने घर से बाहर निकलते ही लुटेरों ने झपट्टा मारकर चेन तोड़ी। कानपुर में बैन के बाद सड़क पर मिल रहे पिटबुल रॉटविलर। मालिक सड़कों पर छोड़कर जा रहे, खाना न मिलने पर और खतरनाक होने की आशंका। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का हुआ स्वागत। कानपुर में बोले, दलित मुस्लिम और सर्व समाज के लोग मिलकर लाएंगे कांग्रेस, आज संभालेंगे यूपी की कमान। कानपुर देहात में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। पास में पड़ी मिली बाइक, जेब में मिली डायरी से हुई शिनाख्त। कानपुर देहात में सीएम को अपशब्द कहने वाला बुजुर्ग गिरफ्तार। रूरा वार्ड एक से पुलिस ने पकड़ा, बोला नशे में था इसलिए गलत बोल गया, भेजा गया जेल। मदामे के लेडीज कपड़ों के शोरूम में लगी आग। सहारनपुर में आग लगने से लाखों का सामान जला, आधे घंटे में बुझाई आग। उन्नाव में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की हत्या। इकलौती बेटी की शादी के बाद घर में अकेली रहती थी महिला, सिर और पेट पर गंभीर चोटें आईं। सपा संरक्षक के लिए शुरू की दंडवत प्रणाम यात्रा। वाराणसी में सपा कार्यकर्ता बोले, जब तक नेता जी स्वस्थ नहीं होंगे रोजाना ऐसे ही जाऊंगा मंदिर। हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूस कर युवक की निर्मम हत्या। झांसी में 3 युवकों पर बरसाया हथौड़ा, 2 की हालत नाजुक। जमीन विवाद का है पूरा मामला।